सो हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एंड द न्यू डू। सो गाइस, आज की स्टूडियो में बात करने वाले हैं हम लोग एक नए ऐप की मदद से। हम लोग एडिटिंग करने वाले हैं, बहुत अच्छा ऐप है, आप भी जाकर ट्राई करिए, काफ़ी अच्छी एडिटिंग कर देता है। उस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पर मैं ऐप में अपनी फ़ोटो ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर फ़ोटो को मैंने ऐप में ऐड कर लिया, यहाँ पर फ़ोटो आ चुकी है मेरी ऐप में। तो इसको हम लोग फेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं फेस अपना हम लोग सही करेंगे थोड़ा। यहाँ पे बहुत से ऑप्शन है, बहुत अच्छी एडिटिंग हो जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं मैं सही कर रहा हूँ अपने फेस को। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो इसको कर लेते हैं यहाँ से डन। डन करने के बाद हम लोग आ जाते हैं रिटच पे क्लिक करते हैं। रिटच पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग ब्लेमिश वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, इसका साइज़ फुल कर लेते हैं। यहाँ पे जो हम लोग का पिंपल रहेगा उसको गैप करेंगे यहाँ पे हम लोग। यहाँ पे इसको गैप करने के बाद हम लोग आगे का स्टेप बताते हैं। इस ऐप से बहुत अच्छी एडिटिंग कर सकते हैं आप भी। मेरे तरीके से थंबनेल आप देख चुके थे कैसे मैंने एडिट किया, तो उस तरह आप भी एडिटिंग कर सकते हैं। इसका मैं पिंपल हटा लूँ पहले, जहाँ जहाँ मेरे पिंपल है उसको मैं गैप कर लूँ। यहाँ पे देख सकते हैं स्मूदर भी लिखा हुआ है, ग्लो भी लिखा हुआ है और मेकअप भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे बहुत से ऑप्शन मिल जाएंगे आपको स्मूदिंग के लिए। यहाँ पे पिंपल देखिए गैप से हो गए, मेरे पिंपल गैप हो गए, देख सकते हैं। ये थोड़ा बहुत रशेस है, तो उसको मैं दूसरे तीसरे सॉफ्टवेयर से एडिटिंग करके दिखाऊंगा कैसे मैंने किया। तो ये हो गया रन। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, इसको छोड़ देते हैं यहाँ पे, इससे होगा नहीं है। तो यहाँ पे ये हो गया रन। इसके बाद हम लोग कर लेते हैं टिक, यहाँ पे इसको कर लेते हैं डन। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है फेस, तो यहाँ पे कर लेते हैं डन। डन करने के बाद यहाँ पे पिंपल हम लोग के गैप हो गए। पिंपल गैप होने के बाद बिफोर आफ्टर आप देख सकते हैं, फेस भी हम लोग का थोड़ा सही हो गया। तो इसके बाद हम लोग आ जाते हैं एडजस्ट पे। एडजस्ट दिख रहा है आपको, एडजस्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हम लोग। यहाँ पे एडजस्ट पे क्लिक कर लेते हैं जल्दी से। एडजस्ट पे क्लिक करने के बाद HSL दिख रहा है, HSL पे क्लिक करेंगे। HSL पे क्लिक करने वाले पे आने के बाद इसका ल्यूमिनस प्लस कर लेंगे। ल्यूमिनस प्लस करने के बाद सिचुएशन को हल्का माइनस कर देंगे, सिचुएशन हल्का माइनस रहेगा, जस्ट हल्का सा। तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग आएंगे ऑरेंज वाले पे आएंगे। ऑरेंज वाले पे आने के बाद हम लोग इसका ल्यूमिनस प्लस कर लेंगे, सिचुएशन माइनस कर देंगे। अब येलो वाले पे आएंगे, येलो वाले का भी ल्यूमिनस प्लस कर लेंगे, सिचुएशन माइनस कर देंगे, सिचुएशन हल्का माइनस रहेगा। हीओ को अपने दर पे रखते हैं, ज़्यादा माइनस नहीं रखेंगे हम लोग। ग्रीन वाले पे आएंगे, ग्रीन वाले का सिचुएशन प्लस कर लेंगे और ल्यूमिनस को छोड़ देंगे। यहाँ पे हीओ को हम लोग माइनस कर लेते हैं। बिफोर आफ्टर आप देख सकते हैं फेस पे ग्रोस आ गया, एक वाइट सी फेट आ गई हम लोग की फेस पे, यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद हम लोग फिल्टर मिल जाएगा, बहुत से ऑप्शन मिल जाएंगे। कट वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, कट पर क्लिक करेंगे, ऑलरेडी ये आप बॉडी का सारा ऑब्जेक्ट ले लेगा आपको बैकग्राउंड इरेजिंग में। यहाँ पे देख सकते हैं बैकग्राउंड इरेज कर रहा हूँ मैं, तो इसका यहाँ पे देख सकते हैं। अभी हम लोग फिर से ड्रॉ वाले पे क्लिक करेंगे। ड्रॉ वाले पे क्लिक करने के बाद ब्रश पे क्लिक करके यहाँ पे इसका साइज़ प्लस करके यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, जहाँ जहाँ हम लोग का छूट गया है। यहाँ पे हम लोग के लिप्स पे ट्रे पे छूट गया, तो इसको हम लोग कर लेते हैं डन। यहाँ से डन करने के बाद हम लोग आ जाते हैं, इसको सेव करने के बाद बताता हूँ आगे का स्टेप क्या होगा। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड इरेज हो चुका है हम लोग का। अभी दिखाऊंगा मैं आपको कैसे इरेज। थोड़ा यहाँ पे मैं सेटिंग कर लेता हूँ जल्दी जल्दी, सही से मैं एडिटिंग कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं फेस काफ़ी अच्छा हम लोग का ग्रो कर रहा है और बैकग्राउंड एक मिनट में इरेज हो गया। तो इसको हम लोग सेव कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे इसको हम लोग सेव कर लिए। सेव करने के बाद हम लोग अपने बैकग्राउंड पे आ गए। बैकग्राउंड को हम लोग ले लेते हैं पिक्सार टैब में। पिक्सार टैब में बैकग्राउंड को लेने के बाद हम लोग इसको एडिटिंग करेंगे। पिक्सार टैब में अपने बैकग्राउंड को सेट करेंगे। यहाँ पे ये हो गया डन। इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं अपने बैकग्राउंड को। यहाँ पे इसको सेट कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे सेट कर लेते हैं, यहाँ पे सेट हो चुका है। इसको हम लोग इरेज के आइकन पे क्लिक करेंगे। नीचे जो थोड़ी कट सी फील्ड आ रही है तो उसको हम लोग थोड़ा सही कर लेते हैं। यहाँ से इरेज के ऑप्शन पे क्लिक करके ऑपोसिटी आप देख सकते हैं, इसका हम लोग इरेज कर लेते हैं हल्का हल्का कि रियल लगे। यहाँ पे ये हो गया डन। इसको सेव कर लेते हैं हम लोग, फोटो को कर लेते हैं डन। डन करने के बाद हम लोग अब जाते हैं सेव कर लेते हैं फ़ोटो को। यहाँ से फ़ोटो एडिटिंग होगी। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं ऑटोडेस्क ऐप में। फेस स्मूथ करने वाले हम लोग अपने फेस का, देख सकते हैं फेस स्मूथ नहीं दिख रहा हम लोग का फेस का, तो फेस स्मूथ कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ से हम लोग आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पर दिखा देता हूँ टूल में कैसे रहेगा। टूल देख सकते हैं, ब्रश ये है, साइज़ ऑफ फ्लो स्ट्रेंथ इतनी है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं जल्दी जल्दी स्मूथ कर लेता हूँ फेस को। यहाँ पे स्मूथ करना स्टार्ट कर दिया हूँ मैं। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्मूथ करना स्टार्ट कर दिया हूँ मैं। देख सकते हैं काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो रही है। तो ये हो गया डन। डन होने के बाद यहाँ पे देखो फोटो स्मूथ हो चुकी है हम लोग की, काफ़ी अच्छी लग रही फ़ोटो। अब इसको अब हम लोग शेयर कर लेते हैं लाइटरूम में। लाइटरूम में थोड़ी बहुत रिटचिंग करूँगा, वहाँ से आप देखिए कैसे मैंने किया एडिटिंग ऐसी।